नमस्कार दोस्तों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो 400 शब्दों का रहेगा। 5 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। पहले पहल जब 1922 में यहाँ आया था, वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्राय यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी, मैं तो उस समय नवयुवक था। हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वही जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। अब तो यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं। कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा, पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयं सेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का, देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था, वह काम देश के सौभाग्य महात्मा गांधी की तपस्या और सब लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। 5-6 वर्ष बीत चुके
जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां के लोग अपना शासन स्वयं ने चला रहे हों। स्टॉप।